आप कहीं भी चले जाइए, दुनिया में किसी भी देश में चले जाइए, हर व्यक्ति की सुरक्षा पुलिस के द्वारा करना संभव नहीं होता। हमारी 130 करोड़ आबादी है, हरियाणा की लगा लें तो 2,70,00,000 आबादी है। अब 2,70,00,000 या 80,00,000 आबादी, हमारी पुलिस कितनी है? अब 60,000, 50,000। तो इसलिए ये वातावरण बनाना पड़ता है। हम वातावरण बनाएंगे, अपील बार बार करेंगे, हाँ उसमें से एक सीमा को लांघेगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अब विषय सीधा सीधा आप भी या फिर जरूर कहेंगे, वो है नूह का ये जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। इस घटना के संबंध में सब जानकारियाँ दे दी गई हैं, आज हमारे DGP सब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है गुड़गांव में, सब समाचार आपको आए हैं। उसमें मैं इतना ही कहूँगा कि इसके बाद शांति बनी रहे और किसी प्रकार की जो चीज़ है वो अनदेखी न जाए, तो हमने उसके सारे जो इंतजाम किए हैं अभी तक, जैसा मैंने बताया कि 20 कंपनीज पैरामिलिट्री की हमने बुलाई हैं, जिसमें से 14 कंपनीज नूह जिले में, 3 कंपनीज पलवल में, 2 गुरुग्राम में और 1 फरीदाबाद में। 4 कंपनीज की डिमांड आज हमने और की है बाहर के स्थानों के लिए, ताकि एक सावधानी के लिए, एक क्योंकि कोई घटनाएं छोटे-छोटे किसी न किसी स्थान पर जो होती रही हैं, तो वहाँ सबको ध्यान रखा जाए और कोई ऐसी अनलॉफुल एक्टिविटी कोई ना कर सके और ये आगे कोई इस वातावरण में शांति बनी रहे। आज दिन भर में भी कई जगह की गैदरिंग, कई तरह के ज्ञापन ये सब दिए गए हैं, लेकिन सभी जगह पर शांतिपूर्वक सारा विषय लगभग सबके ज्ञापन जो है वो हो चुके हैं। किसी ने DC ऑफिस जाके दिया होगा, कहीं किसी ने गैदरिंग की होगी, ये सारे विषय जो है वो समाप्त हो गए हैं। 6 लोगों की, जैसे मैंने बताया आज सुबह भी, कि उनकी डेथ रिपोर्टेड है, 2 उसमें पुलिस के लोग हैं, 4 उसमें सिविलियंस हैं। अभी तक 116 लोगों को अरेस्ट किया गया है और 90 इसके अतिरिक्त और डिटेन किए गए हैं। पूछताछ करने के बाद उनके खिलाफ भी कार्रवाई जो बनेगी वो सब की जाएगी। और इसके बाद ये सारा जो विषय आया है, इसके पीछे किसका हाथ है, कैसे शुरू हुआ, इन सब बातों के ऊपर भी प्रोसेस चल रही है। उस सारी प्रोसेस में कोई भी दोषी है उसको बख्शा नहीं जाएगा। ये सारी योजना हमारी इसमें बनी है। आगे के लिए कुछ चीज़ें हमने जो और तय की हैं, उसमें एक ये तय किया है कि एक IRB की बटालियन नूह जिले में ही स्थापित की जाएगी। जो अभी 2 बटालियन भौंडसी में है, उसमें से 1 बटालियन नूह जिले में, जगह हमने देख ली है, लेकिन वो जगह बनने में थोड़ा समय लगेगा, उससे पहले किसी टेम्परेरी भवन में 1 बटालियन में कितने लोग होंगे, 1,000 लोग लगभग, तो 1,000 लोगों की व्यवस्था वहाँ उसी जिले में कहीं ना कहीं, ताकि आवश्यकता पड़ने पर कभी भी उसका मानो उपयोग करना हो तो उपयोग किया जा सके। हमने एक पुलिस में एनफोर्समेंट ब्यूरो अलग से बनाया है, उसके लिए 5-6 विभागों में, खास करके जिनमें टैक्सेशन की चोरी होती है, जहाँ कहीं थोड़ा इस प्रकार के विषय है, जो लोगों के नाते भी, सरकार के नाते भी अनपॉपुलर कहें, या जो एक किसी न किसी नुकसान को पैदा कर सकते हैं, इन चीज़ों को चेक करने के लिए पुलिस का एक लैंड ऑर्डर के लिए अलग से सारा होगा, इन्वेस्टिगेशन के लिए होगा, लेकिन एक इस प्रकार के, जैसे माइनिंग है, जैसे एक्साइज टैक्सेशन है, जैसे पावर है, जैसे इरीगेशन है, तो इस प्रकार से 5-6 डिपार्टमेंट पहले विचार किए थे। लेकिन नूह जिले में जो ये काउ प्रोटेक्शन एक बड़ा विषय है, वहाँ स्मगलिंग होती है, वहाँ हत्या भी होती है, तो हम उस जिले में एनफोर्समेंट जो हमारा ब्यूरो है उसको काउ ये जो सिक्योरिटी का जो काम है ये भी उनके माध्यम से कराएंगे, और 100 जवान अलग से उस व्यवस्था के लिए वहाँ रखे जाएंगे, ताकि ये समस्या भी आगे ना आए। और मैं तो खास करके ऐसे मुस्लिम भाई, जो बहुत लोग मुसलमान भी हैं, जो यानी गोरक्षा के हित में भी बोलते हैं, काम करते हैं, उनका कोई उसमें विरोध नहीं है, बल्कि सहयोग भी करते हैं। राष्ट्रीय मुस्लिम मंच खुल करके उसमें इस मूवमेंट में साथ देता है, तो मैं तो ऐसे मुस्लिम नौजवानों को भी प्रोत्साहन के नाते से अलग से योजना बना करके भी उनको प्रोत्साहन देंगे कि मुस्लिम लोग भी अगर गोरक्षा में आगे आते हैं, ताकि वहाँ किसी प्रकार का आपसी भाईचारा ये न बिगड़े, हमेशा के लिए इन चीज़ों को हम ठीक कर सकें, तो इसका भी एक अलग से हम योजना बनाएंगे।
मोटे रूप से आज के इस संदर्भ में विषय इतने ही मुझे आपके सामने रखने थे। कोई बात आपको लगती है तो जरूर इसमें पूछें। एक मेरा निवेदन जैसे जनता से रहता है कि सब लोग शांति कायम करने के लिए वो सहयोग करें, आगे आएं, वैसे मीडिया से भी मैं अपील करूंगा कि हम जो भी विषय बातचीत करें, चाहे प्रिंट में चाहे इलेक्ट्रॉनिक में, उसमें कैसे हम शांति कायम करने में सहयोगी हो सकते हैं। बहुत चीज़ें होती हैं अपने हाथ में, स्वतंत्रता के नाते से हम प्रोवोकेटिव भी बोल सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जब तक सारी चीज़ें स्पष्ट ना हो जाएं, तब तक इन चीज़ों से जितना बचा जाए उतना अच्छा है। क्योंकि मुझे इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं है कि बहुत समस्याओं को हमारा, खास करके सोशल मीडिया, इसके कारण से भी आकार उसका बढ़ता है। तो मैं इन सोशल मीडिया के भी बंधुओं से, चाहे यूट्यूबर्स हैं चाहे सोशल मीडिया में इंडिविजुअल भी लोग करते हैं, कहीं ट्वीट करते हैं कहीं बाकी करते हैं, तो इन चीज़ों से बचने के लिए हमें संयम जरूर बरतना चाहिए। ये भी अपील आपके माध्यम से मैं करूँगा। एक एक करके, पहले पहले एक एक करके। हाँ हमने एक एक्ट बना लिया है और उस एक्ट में ये पारित किया गया है कि कोई भी जो लॉस है, चाहे वो पब्लिक प्रॉपर्टी का होगा चाहे किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी का होगा, ये ठीक है कि पब्लिक प्रॉपर्टी का तो सरकार ही इश्यू करेगी, लेकिन प्राइवेट प्रॉपर्टी का उसको अपने आप इश्यू करना पड़ता है। तो जिन्होंने नुकसान किया है वो इस बात के लायबल हैं कि उनसे वो भरपाई कराई जाए। तो हम उसका पूरा अपना जो सरकारी प्रॉपर्टी है उसका हम करेंगे, प्राइवेट प्रॉपर्टी वालों को भी उनको कहेंगे कि इसकी लायबिलिटी जिनके ऊपर है उनसे वसूल किया जाए। एक एक करके, एक एक करके, एक एक करके, रुके रुके, हाँ एक एक करके। सारे प्रश्न आप नहीं करोगे तो प्रश्न रह जाएंगे, मैं क्या करूं। एक एक देखिए, मैंने आपको पहले अपील की, पहले एक अपील मैंने आपको एक अपील पहले की, एक अपील की कि हम विषयों को भी उसी ढंग से हाईलाइट करें ताकि समाज में कोई ऐसा विषय ना जाए जिसमें कोई बहसबाजी और बहुत बड़ा, आप कुछ भी पूछेंगे मैं उत्तर वही दूंगा जिसमें से समाज में एक शांति बनी रहे, आपसी जो विवाद की बातें हैं वो ज़्यादा ना उभरें। इसलिए आप थोड़ा सा शांति करें, एक एक प्रश्न का उत्तर देंगे, एक एक प्रश्न का उत्तर देंगे, चिंता मत करो। पहली बात आपने सुनिए, बैठ जाओ, पहली बात आपने कही है, अब सारा विषय सामाजिक सद्भाव बनाने के लिए देखिए, अरे सुरक्षा सद्भाव दोनों बातें, सुरक्षा में सद्भाव में से ही सुरक्षा निकलती है। अगर सद्भाव नहीं हुआ और एक दूसरे के खिलाफ अगर गन तान के खड़े हो गए तो सुरक्षा, देखिए समाज आपस में जब तक सद्भाव नहीं होता तब तक सुरक्षा को एक चैलेंज रहता है। और आप ये मानिए हर व्यक्ति की सुरक्षा न पुलिस कर सकती, न आर्मी कर सकती, न आप और हम कर सकते। सुरक्षा के लिए भी एक वातावरण बनाना पड़ता है और वातावरण समाज में एक सामंजस्य सद्भाव, इसके लिए पहला प्रयत्न करना पड़ता है। उसके लिए पीस कमेटीज बनी हैं, उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन को लोग लगे हैं। हाँ, मौके पर तनाव न बढ़े इसके लिए फोर्स पूरी रखनी पड़ती है,
उन्होंने फ्लैग मार्च भी किया है। जो ऐसे गलत वृत्ति रख करके कोई लोग इस प्रकार का मानस बनाए बैठे उनके मन में एक भय बैठाना पड़ता है, लेकिन ये तात्कालिक विषय होते हैं, करंट इश्यूज होते हैं। करंट विषय में करने के बाद आखिर में तो सामाजिक सद्भाव बना करके तभी लोगों का रहन सहन ठीक हो सकता है। आप कहीं भी चले जाइए, दुनिया में किसी भी देश में चले जाइए, हर व्यक्ति की सुरक्षा पुलिस के द्वारा करना संभव नहीं होता। हमारी 130 करोड़ आबादी है, हरियाणा की लगा लें तो 2,70,00,000 आबादी है। अब दो लोग 2,70,00,000 या 80,00,000 आबादी, हमारी पुलिस कितनी है? अब 60,000 50,000। तो इसलिए ये वातावरण बनाना पड़ता है। हम वातावरण बनाएंगे, अपील बार बार करेंगे, हाँ उसमें से एक सीमा को लांघेगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और कार्रवाई, अरे भाई कार्रवाई करने का जो विषय होता है वो बता के करना होता जरूरी थोड़ी होता है, ये अलग अलग हर किसी का होता है, कोई बताएगा और कोई करेगा। आप धीरे धीरे चीजें देखेंगे, आपके सामने आएंगी, कल क्या होगा, आज चीजें प्रोसेस में है। प्रोसेस हमेशा कल्प्रिट जो है, दोषी जो है, उसको उसको सबक सिखाने के लिए जो करना होता वो करेंगे, लेकिन हम किसी निर्दोष के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। एक एक करके, एक एक करके, एक मिनट, एक 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 करके, एक उन्होंने आज कहा कि इसकी पटकथा तो विधानसभा में ही लिखी जा चुकी है। कांग्रेस के विधायक मामन खान, उन्होंने ओपनली चैलेंज किया था वहां विधानसभा के अंदर कि अब की बार जब होगा तो हम देख लेंगे। तो अब की बार उन्होंने सीधे सीधे आरोप लगाए सत्यप्रकाश राव का ने, आयुक्त मामन खान ने पूरी पटकथा लिखी है और उन्होंने जो विधानसभा के अंदर लग बोले थे कि प्याज की तरह फोड़ देंगे, उसके बाद जब दंगे हो गए तो सोशल मीडिया पर जो दूसरे समुदाय के लोग थे उन्होंने साफ तौर पर ये लिखा कि प्याज की तरह फोड़ दिया, तो कहीं ना कहीं वो आपस में मिले हुए हैं। ये आपके खुद के पार्टी के विधायक सब नहीं, मेरी पार्टी के विधायक मामन खान नहीं है, जरावता है। देखिए सब बातें ध्यान में है, सारी प्रोसेस जो हमने चलाई है उस प्रोसेस के अंतर्गत जिन जिन की जो जो गलती है उनको निश्चित रूप से दंड मिलेगा। इस समय किसी भी बात का इससे ज्यादा खुलासा करना ठीक नहीं। सीएम साहब, सीएम साहब, at the core of this entire unfortunate incident is a social media pe jo Monu Manesar ne apna video bheja. Why is that your government has been unable to arrest Monu Manesar, who has emerged as the key villain in this entire episode? One, why is that? And second thing, you had said people from outside had also entered Monu, who are also responsible for this arson, for this rioting. What are your thoughts on what now? What is the investigation so far? Where is the investigation? देखिए जहां तक मोनू मानेसर की बात है, मोनू मानेसर के खिलाफ जो पिछला केस FIR वो राजस्थान सरकार की है। राजस्थान सरकार को हमने कहा है कि जिस प्रकार की मदद उनको ढूंढने में हमारी चाहिए, मदद करेंगे, तैयार है मदद करने के लिए। अब वो चूँकि राजस्थान पुलिस उसको ढूंढ रही है, कहाँ है कोई इनपुट्स हमारे पास अभी नहीं है, उनके पास है कि नहीं हम नहीं कह सकते। राजस्थान पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है, हमारी मदद जितनी चाहिए उनको करेंगे। जहाँ तक दूसरा विषय आपका है आउटसाइडर्स का, चूँकि अब लगातार जितने सोशल मीडिया पर जो चीज़ें चली हैं उनको भी चिन्हित किया जा रहा है, हमारा जो साइबर डिपार्टमेंट है उसमें लगा है, जो वहाँ पर जो डंप मिला है टेलीफोन कॉल्स का, वो हमारे जो टावर्स होते हैं उससे मिलता है, उसके साथ उनके लिंक बनाए जा रहे हैं। अब लिंक बनाने के बाद ही पता लगेगा किसने किसको कितनी बार कॉल्स किए, उतना ही पता लगता है उस डिटेल कॉल में, इससे ज़्यादा पता नहीं लगता। लेकिन उसमें से इन्फ्रेंसेज को निकलते हैं, वो इन्फ्रेंसेज सोशल मीडिया के इन्फ्रेंसेज और लगातार वहाँ जो CCTV कैमराज हैं, CCTV कैमराज के जितने भी फोटोग्राफ्स हैं, जितने भी रिकॉर्डिंग्स हैं, उनको सबको ले लिया गया है, उसका एनालिसिस चल रहा है। इसी में से जो 116 लोग पकड़े हैं वो इन्हीं में से पकड़े हैं, 90 लोग जो डिटेन किए हैं वो उसी कारण से डिटेन किए हैं, और अभी तो ये शुरुआत हुई है। इसका लगातार जो पुलिस फोर्सेज या हमारी जो पैरामिलिट्री फोर्सेज वो वहाँ हैं, वो कोई हटी नहीं है, कर्फ्यू वहाँ लगा हुआ है, और हम किसी प्रकार की कोई ढिलाई बरतेंगे नहीं। और इसमें चूँकि पुलिस इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो होती हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन से पहले कोई बात कह देना कई बार इन्वेस्टिगेशन को भी प्रभावित करता है, इसलिए जो हमारा एक स्टैंड है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, वो हर हालत में उसको मेंटेन किया। हाँ, एक 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 मिनट प्लीज,
प्लीज ऐसा ये इट्स नॉट सब्जी मार्केट। क्या किसने कहा? ऐसा नहीं है। जो डिप्टी कमिश्नर और वहाँ चूँकि वहाँ के जो एसपी जो स्टूडेंट पुलिस थे वो छुट्टी गए हुए थे 10-12 दिन पहले, विदेश के उनका कोई कार्यक्रम था वो गए हुए थे और कोई इस तरह की उस समय की संभावना भी नहीं थी। लेकिन जब ये जानकारी यात्रा के मिली है तो डिप्टी कमिश्नर ने स्वयं दोनों ही तरह के जो हमारी उनकी जानकारी उन्होंने हमें बताया है, दोनों ही पक्षों से एक दिन पहले तक उन्होंने मीटिंग की। मीटिंग करने के बाद उनको आश्वस्त किया गया कि भी शांतिपूर्वक निकलेगा, किसी प्रकार का कोई तनाव ऐसी बात नहीं होगी, लगातार उनका उसके ऊपर ध्यान था। लेकिन सडनली ये जो सारी चीज़ें चली हैं इसके बारे में सारी प्रोसेस में से जो जानकारियाँ मिलेंगी और जो जानकारी मिलेगी जिसके खिलाफ भी कोई इस साजिश को करने का कोई सूत्र मिलेगा उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। लास्ट इस लाइन में उनकी योजना जो हमारी सरकारी कर्मचारियों की योजना होती है उसमें 57 लाख रुपए का मुआवजा उसको मिलने के लिए सर पुलिस ने घोषित कर दिया है, वो उनको मिल जाएगा।